हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है बजाज कंपनी का 220 सीसी एफ मॉडल। और इस बाइक में हो क्या रहा है, नया सेल्फ इंस्टॉल किया है एक मैकेनिक भाई ने, करने के बाद सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है और इसका हेडलाइट की भी समस्या है। तो बाइक को दिखाया था दूसरी जगह पर और उन्होंने बोला था कि इस बाइक का जो VCU है, VCU ख़राब हो चुकी है, इस वजह से बाइक में सब दिक्कत हो रहा है। तो आज मेरे पास आया है कि साजिर भाई, इसका कुछ हल है, जो बाइक में बार बार VCU हम लोग लगाते हैं और ख़र्चा हो जाता है, क्या आप बना सकते हैं बगैर VCU का? तो मैंने बोला कि जी हाँ, हम बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे बाइक में VCU जैसे कि लगाया था, ये वाला VCU देखिए, काफ़ी सारे बाइक में मैंने VCU कट के बगैर VCU का बाइक को बनाया है। तो आज आप लोगों को 220 cc जो बाइक है इसमें भी बगैर VCU का हम लोग इंस्टॉल करेंगे और जितना भी बाइक में सिस्टम है सब वर्क करेगा, यानी कि इंडिकेटर से लेके हेडलाइट तक, सेल्फ स्टार्ट, पास हेडलाइट, सब कुछ काम करेगा। कैसे, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, VCU अगर हम लोग कटे तो ये जो हम लोग का हैंडल बार स्विच होता है, इसमें हम लोगों का मैग्नेट सिस्टम दिया गया है, सेंसर सिस्टम दिया गया है, ये हम लोगों का नहीं होगा, होगा बहुत ही हम लोग का दिक्कत है। तो ये सब हम लोग झंझट नहीं करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब सवाल है, हमने क्या क्या हैंडल बार स्विच लाया, देखिए इसमें पार्ट नंबर जो है JF401, यहाँ 401 है और 400, यहाँ 400 है, बाकी सभी लगभग पार्ट नंबर एक है, लेकिन 401 लास्ट पर और 400। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए और पार्ट नंबर लिखा हुआ है ऊपर और नीचे। तो दोनों ये जो पार्ट नंबर आपको दिखाया लेफ्ट राइट की है, ये हम लोग का हैंडल बार की स्विच। अब इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा एक इंडिकेटर फ्लासर, इंडिकेटर वर्क करने के लिए इंडिकेटर फ्लासर, हीरो स्प्लेंडर बाइक की हम लोग डालेंगे, और इसमें एक इंडिकेटर हॉर्न और एक हॉर्न का क्लिप लगेगा, तो बस और कुछ भी नहीं, बस हम लोग का बाइक जो है एकदम पूरा तैयारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग हैंडल बार स्विच फिटिंग करते हैं। और एक्चुअली आप लोग को कनेक्शन जो है वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाऊंगा जो कनेक्शन हम लोग कैसे करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ जो ये जो हम लोगों का हैंडल बार स्विच है नया, इसके कलर के बारे में, जो कौन सा वायर कौन सा काम का है, तभी आप लोग काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इसका कलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हम लोगों का किल स्विच का वायर है, किल स्विच का। तो इसे हम लोगों को, यानी कि वोल्टेज यहाँ से लेना है और वोल्टेज देना है, ठीक है। तो वोल्टेज आएगा कौन सा कलर में, मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर में जो रेड है इसमें वोल्टेज आएगा, और ये हम लोग का ब्लू में ब्राउन जो है वोल्टेज जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ इस कपलर पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कपलर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हम लोग का हेडलाइट के लिए आउटपुट वायर है, इस वायर को हम लोग को लगाना है इसी स्विच पर, हैंडल बार स्विच पर लगाना है, ठीक है। और यहाँ ब्लैक में जो पीला है हम लोग का बॉडी अर्थिंग गाड़ी से लेना है, वो कैसे मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कलर दिख रहा है ये हम लोग का हेडलाइट के लिए इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज हम लोग को देना है, ठीक है। और गाइस, ये जो ब्राउन में जो वाइट कलर की वायर है, ये हम लोग का जैसे कि यहाँ लाइट रहता है सेंसर में, लाइट के लिए हम लोग का वायर है, लाइट की जो वोल्टेज है वोल्टेज आएगा इसमें, ठीक है। और जो ये हम लोग का जो रेड कलर की वायर है गाइस, ये वायर हम लोग का पार्किंग लाइट है, यानी कि हेडलाइट का स्विच अगर पहली बार दबाएं, देखिए ये, यानी कि अभी हम लोग का हेडलाइट बंद है, अगर एक पोल दबाएं तो इसमें हम लोग का रेड बॉल जो है, सॉरी एक पॉइंट जो दबाए रेड बॉल पे हम लोग का पार्किंग वोल्टेज आएगा। और यहाँ आप लोगों को देख रहा है एक ब्लू, इसमें ब्रेक स्विच का जो हम लोग का आउटपुट वायर है, ब्रेक दबाने से वोल्टेज आएगा, जो बैकलाइट जलेगा। और ये ब्राउन कलर की वायर जो है, इसमें आपको वोल्टेज देना है। अब इस पर आते हैं गाइस, ये वायर आपको दिखाया था यहाँ लाइट की है, सेंसर की लाइट की, तो दोनों को जॉइंट करना है, इसमें भी बॉडी अर्थिंग देना है। और गाइस, ये हम लोग का जो वायर है, ये दोनों वायर यानी कि इंडिकेटर की है, देखिए एक हरा एक जैसे सिल्वर की, ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट की है। अब यहाँ आते हैं, ये हम लोग का हेडलाइट की इनपुट लाइन है, हेडलाइट का स्विच से जो वायर आएगा ये वाला, इसके साथ जॉइंट करना पड़ेगा ताकि जब हेडलाइट दे तो यहाँ इसमें वोल्ट जाए और डीपर काम करे। अब हेडलाइट देने के बाद यहाँ हम लोगों का
जैसे कि अपर डिपर का वोल्टेज आएगा रेड में पीला और रेड में ब्लैक, इसमें हम लोग का अपर डिपर है। और वन इंच कलर की जो वायर है गाइस, इसमें हम लोग का जैसे कि इंडिकेटर की जो हम लोग का सिस्टम है, इंडिकेटर का जो फ्लासर है इसमें हम लोग को कनेक्ट करना है और ब्राउन कलर में वोल्टेज देना है। और ब्लैक कलर की जो वायर है इसमें हम लोग का हॉर्न दबाने से ग्राउंड आएगा। तो वो सब कनेक्शन कर लेता हूँ तभी आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया, अगर मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट कीजिए। तो चलो ये सब कपलर को हम लोग को कटना पड़ेगा और वो भी सुन दीजिए, इसका कपलर हम लोग कटेंगे, वायरिंग को छेड़खानी नहीं करेंगे। बाद में अगर बोलेगा कि हम पहले जैसा बना देंगे तो वैसा हो जाएगा, सिर्फ हैंडल बार स्विच हम लोग को बदलना है, उसी वक्त बस हम लोग का भीसू सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको काट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने किल स्विच का कनेक्शन यहाँ कर दिया है। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले सेल्फ स्टार्ट करना है। तो यहाँ 12 वोल्ट आएगा सेल्फ का पुश दबाने से, ठीक है। तो इस कपलर पे हम लोग को मिलेगा सेल्फ का एक ब्लू, रेड में ब्लू जो है सेल्फ रिले में जाएगा और रेड में पीला जो है हैंडल बार स्विच से आएगा, इसको सेल्फ स्टार्ट काम करेगा। चलो ज्वाइंट कर लेता हूँ। अब बाइक का हम लोग जैसे कि सेल्फ स्टार्ट करके देखेंगे सेल्फ काम कर रहा है कि नहीं। इग्निशन ऑन करो। तो अभी हमने कनेक्शन खाली सेल्फ का किया है और किल स्विच का, तो बाइक को अभी स्टार्ट करेंगे। करंट आ रहा है देख ले। करंट बराबर आ रहा है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, सेल्फ काम कर रहा है। अब सेल्फ अब काम तो हो गया है, हम लोग को बॉडी अर्थिंग देना है। तो वायरिंग में एक ब्लैक कलर की वायर है, ब्लैक में पीला, और इसी में ब्लैक में पीला, तो इसको हम लोग को टच करना है। अब रेड कलर की जो वायर है ये पार्किंग लाइट है, यानी कि पार्किंग स्विच का, तो इसको हम लोग को रेड में लगाना है। वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, इसी कपलर में डायरेक्ट जो हम लोग का रेड कलर की वायर है नीचे इसी में लगेगा। पार्किंग हो गया। ब्रेक स्विच का ये वाला, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को लगाएंगे, एक ब्लू कलर की वायर, ब्राउन कलर की वायर, तो इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करने के बाद मिलता हूँ। ब्रेक स्विच का कपलर हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ ब्रेक सुख भी हो गया है। अब रहा तीन वायर। तो फ्रेंड्स, यह हम लोग का इनपुट वायर है हेडलाइट के लिए, और ये आउटपुट है, और ये सेंसर की है जो लाइट की है, स्विच में लाइट जो रहेगा। तो चलो इसको लगाना है कहाँ, इसी हैंडल बार स्विच में एक वायर है उसी कलर का, इसमें लगाएंगे ये वाला सिंगल वाला, इसको ज्वाइंट करना है यहाँ, एक तार दीजिए। तो अभी बाकी रहा हेडलाइट की इनपुट और आउटपुट। तो फ्रेंड्स, इस कपलर में हम लोग को ब्राउन कलर की वायर में इग्निशन ऑन करने में वोल्टेज मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्राउन कलर की वायर में देखिए लैम्प जल रहा है, तो इस वायर को हम लोग लगाएंगे यहाँ हेडलाइट जलाने के लिए, ठीक है। ये वायर लगाने में हम लोग का यहाँ रोशनी बढ़ गया और यहाँ जल रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बंद करेंगे, बंद हो गया, देखिए चालू हो गया है ना, चालू हो गया है। अभी हेडलाइट का काम हमने किए नहीं है, कनेक्शन लगाना है तभी हेडलाइट जलेगा। तो इस पर जो हैंडल बार का स्विच का काम है यहाँ से कंप्लीट गाइस, और आउटपुट वायर सिर्फ हम लोग को हेडलाइट में देना है। यहाँ एक वोल्ट के लिए हम लोग वायर रखेंगे, और भी काफ़ी सारी जगह पे हम लोग को वोल्ट देना है। ब्राउन कलर की जो वायर है, एक वायर आप लोगों को अलग से ले लेना है, और काफ़ी सारी जगह पर और भी वोल्टेज लगेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आवश्यकता हो सकता है, ज़रूरत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर रहा ब्लू में पीला, ये चल जाएगा हेडलाइट की जो डिपर स्विच है उसमें जाएगा। तो चलो उस पर इसको भरो, चाबी ऑन को ऑफ करो। हाँ, यहाँ से काम ख़त्म हैंडल बार स्विच का। अब यहाँ हम लोग कुछ काम रहा वही हम लोग करेंगे। इसी कपलर में हम लोग को मिलेगा इंडिकेटर का वायर, दोनों, एक ब्लू एक सिल्वर, और एक हॉर्न की जो
वायर है, एक ब्लैक में ब्राउन। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को ग्राउंड देना पड़ेगा और हॉर्न में ऑटोमेटिक ग्राउंड दिया हुआ है, उसको कट करना पड़ेगा, तो वो भी आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए हेडलाइट के लिए अपर डिपर मैंने क्या किया, ब्लैक में रेड और ब्लैक में पीला। तो ये सिर्फ तार को मैंने बड़ा किया क्योंकि 220cc बाइक का जो हैंडल बार का जो सिस्टम है वायरिंग, उस पार रहेगा एक कपलर और एक कपलर इस पार रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो वायर है इसको हमने बड़ा किया और उस पार ले जाएंगे क्योंकि हैंडल बार स्विच पे हम लोग को अटैच करना है। तो चलिए उस पार चलिए। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ वायर को टाना है और इस कपलर का जो कनेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोग का डीपर स्विच का है, यानी अपर डीपर ये वाला दोनों, ठीक है, हाई और लो लाइट है। ब्लैक कलर की वायर जैसे कि हॉर्न में जाएगा, तो हॉर्न में पहले से अर्थिंग दिया हुआ है, तो मैंने एक वायर को कट किया और यानी कि जो यहाँ से अर्थिंग जो है इस वायर में दे दिया है। गाइस वायरिंग के साथ यहाँ ब्लैक में एक वायर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ब्राउन में ब्लैक, तो मैंने जैसे ब्राउन में ब्लैक इसमें हम लोगों को मिल गया था इसी वायर पे। देखिए ये वायर वायरिंग हन इसका दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ब्लैक में ब्राउन, ब्लैक में ब्राउन जो वायर है, ब्लैक में ब्राउन ये वाला। तो यहाँ से हमने ग्राउंड दिया और इसका ग्राउंड जो है ग्राउंड मैंने कट दिया गाइस, ठीक है, कट के मैंने अलग से वोल्टेज दिया दोनों हॉर्न पर, तभी बनेगा क्योंकि इस बाइक में हम लोग का जो ग्राउंड है ऑटोमेटिक लिया रहता है और वोल्टेज भीसू से आता था, बट इसका जो सिस्टम है यहाँ से ग्राउंड जाएगा, तो ग्राउंड आपको चेंज करना है और वोल्टेज की जगह में वोल्टेज आप लोगों को देना है, वोल्टेज अलग से देना है और ग्राउंड यहाँ से लेना है। तो हॉर्न हो गया है। अब इंडिकेटर के लिए हमने जैसे कि दो यूज किया, यहाँ देखिए ब्राउन कलर में मैंने वोल्टेज लिया एक वायर पर, यहाँ हॉर्न का क्लिप लगाया और एक ऑरेंज कलर में हम लोग का एक क्लिप लगाया। अब एक एक करके अगर हम लोग लगा दें तो हम लोग का जैसे कि फ्लासर काम करेगा। अब यहाँ इंडिकेटर में है हम लोग का लेफ्ट राइट का इंडिकेटर और ये हम लोग का हेडलाइट की इनपुट लाइन। तो मैंने थोड़ा इस बाइक में थोड़ा दिक्कत हुआ कि दो साइड पे हम लोग का कवाल पर ये वायरिंग रहेगा, तो इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो मैकेनिक भाई मेरे पास लाया था इस बाइक को, तो चलिए आप लोग को प्रोसेस दिखाता हूँ हम लोग को काम कराए कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए पहले आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ हम लोग का सब लाइट जल गया, देखो यहाँ लाइट जल रहा है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ भी जल चुकी है और डिपार करेंगे तो वहाँ भी जल रहा है, एक पॉइंट कटा हुआ है। तो इस बॉल को चेंज करके यहाँ कर देता हूँ। देखिए गाइस अपर डिपर हम लोग का काम कर रहा है, एक लैंप नहीं है मेरे पास, काम कर रहा है। और सेल्फ मार के दिखाता हूँ, अभी बाइक में पेट्रोल नहीं है लेकिन आप लोगों को करंट दिखा देता हूँ, करंट एकदम लगातार आएगा। देखिए गाइस करंट आ रहा है, यहाँ दिखाइए किल स्विच ऑफ करेंगे, अब यहाँ दिखाओ करंट नहीं आएगा, किल स्विच ऑन किया अब करंट आएगा। तो बाइक का ऑफ ऑन भी हो जाएगा यहाँ से, और जितना भी कनेक्शन है मैंने सब कर दिया है। मीटर कंट्रोल लाइए, मीटर कंट्रोल दिखाना है। चलो फ्रेंड्स मीटर कंट्रोल लगाएंगे, इग्निशन बंद करते हैं, पहले तो बोल रहा था मीटर कंट्रोल भी नहीं जल रहा था, अब मीटर कंट्रोल का क्या हालत है हम देखेंगे और आपको बताएंगे। हमने लगा दिया गाइस, देखिए गाइस मीटर कंट्रोल का हालत क्या है। अपर डिपर काम कर रहा है ये वाला, और इंडिकेटर देंगे तो ये हमको पुश करना पड़ेगा। देखो अभी हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, फ्लासर लगाएंगे, इंडिकेटर जलेगा। देखिए गाइस इंडिकेटर जल रहा है, लेफ्ट राइट देंगे काम करेगा। और मीटर हम लोग का थोड़ा ख़राब है इस बाइक का, देखिए गाइस यहाँ इसमें लिखा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बाइक में लगाया है और कनेक्शन हमने सही किया है, लेकिन मीटर कंट्रोल का जो इसके अंदर जो सिस्टम है थोड़ा बिगड़ गया है, मीटर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वायरिंग का सब कुछ ठीक है। देखो यहाँ देने से हम लोग का मीटर कंट्रोल में वोल्टेज भी आ रहा है, देखो वोल्टेज भी आ रहा है, यानी कि हम लोग का कोई भी समस्या नहीं है। तो आप लोग को एक्चुअली दिखाया क्या, बजाज पल्सर 220cc बाइक में आप लोग को बगैर भीसू का भी बना सकते हैं। तो किस तरह से मैंने आपको दिखाया वही फार्मूला यूज कीजिए, 100% कामयाब हो जाएंगे। इसको सब वायरिंग करके कस्टमर को हम लोग हैंड ओवर करेंगे,
वायरिंग को टेप करके और कस्टमर को दे देंगे। तो अभी फिलहाल ये बाइक मेरे पास नहीं आया था, कस्टमर के पास, एक मैकेनिक भाई के पास आया था, उसको हम दे देंगे, वो अपना सब ठीक कर लेगा। तो हमारा काम इतना सा वायरिंग का काम था, हमने यहाँ से कर दिया, अब बाकी वो मैकेनिक भाई सोचेगा, कस्टमर को देगा हैंड ओवर करके। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।